अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहिन सिस्टर्स। और आप लोग किचन की हालत देख ही रहे हैं। कल हम लोग बहुत लेट में सोए थे, देर हो गया था सोने में, इस वजह से बर्तन सारे पड़े हुए यहाँ पे। अभी तस्नीम ने धोना शुरू कर दिया है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने जस्ट नाश्ता किया है और आज बहुत सारा काम फैला हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये दोनों सोफों को वापस से वहीं पे ले जाकर हमें रखना है आगे वाले रूम में, और साथ ही ये सारे कपड़े जो धुले हुए हैं, जो छत से कर उठाया था ऐसे ही पड़े हुए, इन्हें भी सरिया के रखना है। और ये देखिए जो लकड़ी का चूल्हा हमने बनाया था, अब इससे भी समेटना है, लकड़ी को भी हटाना है। वैसे आज नहाने के लिए गर्म पानी हो सकता है, इसी में हम लोग कर लें, क्योंकि लकड़ी भी पड़ी हुई यहाँ पर, वापस से जाके रखना भी, इसे भी पड़ेगा। फिर देखते हैं आज क्या हो पाता है। वैसे तो आज बहुत सुस्ती लग रही है, ज़्यादा काम करने का मन नहीं है, तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। और अम्मी की भी तबीयत अभी भी ठीक नहीं, सुबह में चक्कर आया था ना अम्मी, अम्मी को सुबह भी चक्कर आ रहा था, फिर तो आज रात में हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, अम्मी को भी लेके जाना है। तो आपको जो भी होगा अपडेट करेंगे हम लोग, बने रहिएगा हमारे साथ। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे साथ जुड़ सके। और जिन्हें हमारी जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और आज फ्राइडे है, तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ये सुबह के वक्त है, 8-9 बज रहे होंगे। कुछ टेस्ट लिखाना था डॉक्टर ने, ब्लड टेस्ट अम्मी के लिए, तो वही करवाने के लिए गए थे अम्मी के साथ। और जाते वक्त कुछ सब्ज़ी भी ले लूँगी यहाँ से। और फ्रेंड से बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मंडे को लास्ट शूट किया था थोड़ा बहुत, जो भी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रसबेरी, ऐसा कलर ऑरेंज दिख रहा। साग ले ले। पालक एक ही ले। लौकी ये वाला। अरे यहाँ पर आज सुबह सुबह हमारे घर बन रही है पूड़ियाँ, आज अम्मी बना रही है। आज तबियत ठीक लग रहा है तो इसलिए थोड़ा पूड़ी बना दे रहे हैं। किसी का पूड़ी खाने का मन है, किसी का रोटी खाने का मन है, किसी का तोस खाने का मन खाना चाह रहे हैं। हम सोचे थे कि इडली ले आएंगे बाजार से, तो इडली भी नहीं मिला। तो क्या बनेगा आज? पालक बनेगा। पालक बनाएंगे और इसके साथ चटनी, टमाटर की चटनी, बैंगन भी है। ठीक है, ये देखिए आप भी चल गई है कुतुब मीनार पे। किधर है झाड़ू? ये लीजिए, ये हमारे घर का खूबसूरत सा लाल झाड़ू। नहीं होगा, देखिए झाड़ू का डंडा छोटा है ना, इसी से होगा। ये देखिए आज हमारे घर की साफ सफाई हो रही है। वेरी गुड, और अच्छे से करिए। बोला नया लेने ये वाला। नहीं हो रहा, आपको वहाँ बैठ के करना पड़ेगा, बैठ के ब्रश लेके। एक काम करिए, पहले बैठ के ऊपर साफ कर दीजिए, जिसके पास पेंट ला के दे रहे, पूरा पेंट भी कर दीजिए। दाल डाल दिए इसमें, और क्या डालना है? हाँ, साग लिया, पहले साग धो कर रखे हैं। साग पूरा साग डालना है ना? और पूरा साग डाल दे, टमाटर, हरा मिर्चा, प्याज, लहसुन, ये सब डाल पूरा। और उसमें पानी पहले डालना, अंदाज मिलेगा ना कितना पानी छूटेगा। पहले पानी डाल दे। हाँ पहले पानी डाल दो, डाल में। ठीक है, देखिए एक जग पानी डाल दे, और एक जग लिया डाल लिया, एक जगह डाल दिया, बस बस। अब ये सब डाल दो, ये सब जितना है ये सब डालो। हाँ,
आज बन रहा है दाल साग। आप लोग में से कौन कौन दाल साग खाते हैं और किस तरह से बनाते हैं बताइएगा। जिस तरह से हम लोग बना रहे वैसे ही बनाते हैं या फिर कुछ अलग बनाते हैं। साग फिर डाल, हल्दी और नमक डालना, पूरा साग आ जाएगा इसमें। हाँ आ जाएगा, पूरा गल का पानी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सारे पर्दे उतार लिए, बहुत दिन से धुले नहीं थे। अभी बहुत घर में सफाई करना है सारा कुछ से, क्योंकि शब बारात भी आने वाला है, तो फटाफट से अभी से लगेंगे तो सारी तैयारियाँ होंगी। तो मैंने सोफे कवर पर्दा सब कुछ ले लिया यहाँ से आज धोने के लिए, आज बहुत काम है। वो बोला क्या ज़्यादा ढीला था? अच्छा तो यही लग रहा, बस थोड़ी एक साइज थोड़ा लूज हो जाएगा। आ तो जा रहा है, ठीक तो है, कहना ये थोड़ा लूज हो जाएगा ना। क्या है ये ना, पीछे से निकला तो फिर। तो ये था छोटा सा व्लॉग, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।